हेलो फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो एक और कंपैरिजन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। फाइनली सैमसंग ने अपना एक नया स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी F13 को लॉन्च कर दिया। वहीं दूसरी तरफ मोटो का एक पॉपुलर स्मार्टफोन मोटो G31, इन दोनों स्मार्टफोन के अगर प्राइस की बात करी जाए तो दोनों स्मार्टफोन का प्राइस बिल्कुल एक ही है, क्योंकि गैलेक्सी के F13 को भी कंपनी ने 11,999 रुपये के प्राइस में 4GB की रैम और 64GB स्टोरेज वाले वेरियंट को लॉन्च किया। वहीं दूसरी तरफ मोटो के G31 को भी 11,004 प्राइस में 4GB की रैम और 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाय कर सकते हैं। तो अगर आप लोग भी 12,000 रुपए से कम की प्राइस में कोई नया स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो आज का ये कंपैरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देखना चाहिए। तो बिना देरी करें चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की अगर बात करी जाए, जो कि एक स्मार्टफोन के लिए उसका प्रोसेसर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, मोटो के G31 में मीडियाटेक का हेलियो G85 का एक गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ सैमसंग गैलेक्सी F13 में सैमसंग का एक्जिनोस 8 ऑक्टा का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस के मामले में मोटो का G31 कहीं ज्यादा आगे निकल जाता है, क्योंकि मोटो के G31 में नियर स्टॉक एंड्रॉइड का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। फोन में कोई भी ब्लॉटवेयर देखने को नहीं मिलता, सिर्फ इसी वजह से फोन काफी ज्यादा स्मूथ बन जाता है और परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। स्मार्टफोन की अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो प्राइस में कोई डिफरेंट देखने को नहीं मिलता, पर इन दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले में काफी ज्यादा डिफरेंट देखने को मिल जाता है, क्योंकि मोटो के G31 में 6.4 इंच की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, डिस्प्ले में पंच होल देखने को मिलता है। वहीं सैमसंग गैलेक्सी F13 में 6.6 इंच की फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिलती है और डिस्प्ले में नॉच देखने को मिल जाता है, जो कि 12,000 रुपए से कम के प्राइस में मोटो के G31 में काफी अच्छी क्वालिटी के डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। सैमसंग गैलेक्सी F13 के डिस्प्ले के मुकाबले मोटो का G31 परफॉर्मेंस डिस्प्ले के मामले में आगे निकल जाता है गैलेक्सी के F13 से। उसी तरह कैमरे के मामले में काफी ज्यादा बेस्ट है मोटो का G31, क्योंकि मोटो के G31 में बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, बाकी के दो कैमरे 8+2 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ। वहीं सेल्फी के लिए 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि 12,000 रुपए से कम के प्राइस में फ्रंट और बैक दोनों में काफी अच्छा कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जबकि गैलेक्सी के F13 में भी बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, बाकी के दो कैमरे 5+2 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ। वहीं सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि इस प्राइस में गैलेक्सी के F13 में आप लोगों को सिर्फ एवरेज कैमरा सेटअप ही देखने को मिल जाता है। मोटो का G31 हर मामले में गैलेक्सी के F13 से बेस्ट है, पर एक मामले में मोटो का G31 पीछे रह जाता है सैमसंग गैलेक्सी F13 से, वो है इसका बैटरी बैकअप, क्योंकि मोटो के G31 में 5000mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है, USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, पर कोई फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, जबकि गैलेक्सी के F13 में 6000mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है 15W के फास्ट चार्जिंग के साथ, USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए दोनों स्मार्टफोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाते हैं। चाहे दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन 12,000 रुपए से कम के प्राइस में आप लोगों के लिए बेस्ट है, मोटो के G31 में काफी सारे एडवांटेज देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि मीडियाटेक का हेलियो G85 का एक गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, फ्रंट और बैक दोनों में काफी अच्छा कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, नियर स्टॉक एंड्रॉइड का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, पर बैटरी के बैकअप के मामले में यह स्मार्टफोन थोड़ा सा पीछे रह जाता है, क्योंकि आप लोगों को बैटरी तो 5000mAh की देखने को मिल जाती है पर कोई भी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। पर सैमसंग गैलेक्सी F13 में सिर्फ एक बहुत बड़ा एडवांटेज देखने को मिल जाता है, वो इसका बैटरी बैकअप और फास्ट चार्जिंग।